बागले जी, सबसे पहले तो आपके शुभकामनाएं नए प्रोजेक्ट। लॉकडाउन के बाद आपके इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, सबसे पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में जानना चाहेंगे, किस प्रकार से उस पर क्या कुछ होगा जो लोग देख पाएंगे दर्शन? हमारा इरादा है कि नया कॉन्सेप्ट हो और समाज के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है कि अच्छी चीज़ें समाज को हम दें, समाज देखे और उनसे सबक सीखे। बाकी लोग जो बना रहे हैं उसके अलग हट के हमारा प्लेटफॉर्म होगा। वारदात के बारे में जानना चाहूँगी, जिस प्रकार से आज के वेब सीरीज वारदात को लेकर आज सॉन्ग रिकॉर्डिंग की गई है, उसके बारे में कुछ मैं आपसे जानना चाहूँगी। क्या वारदात राजीव श्रेष्ठा जी कहानी है, वही सब कर रहे हैं, डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, उनका सपोर्ट है अपने को, तो एक अच्छी फिल्म वेब सीरीज बनेगी, हम रिलीज करेंगे। इस वेब सीरीज में क्या कुछ लोगों को मिलेगा, नयापन क्या होगा, क्योंकि 5 मंथ्स आफ्टर लॉकडाउन के बाद काफ़ी कुछ बंद था, बॉलीवुड देखा जाए सभी कुछ बंद था, लेकिन अब शुरुआत हुई है, तो क्या कुछ नयापन देने की कोशिश होगी और क्या कुछ इस वेब सीरीज में? प्रकृति में हमेशा नयापन होता है, तो नयापन तो देखने को मिलेगा ही, और ये थोड़ा सस्पेंस रहने ज़्यादा अच्छा है, हर चीज़ अभी बता देंगे तो फिर सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा। वारदात में ऐसी आपको क्या खास बात लगी, उसमें ऐसे कौन कौन से सॉन्ग और आपको स्टाफ ऐसे लगे कि आप एज ए प्रोड्यूसर इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं? वारदात इंडस्ट्री में वारदात ही तो होती है, और क्या होता है, लाइफ में भी वारदात होती है, तो उन सब चीज़ों का मिश्रण है। सर, जिस तरह आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म आ रहे हैं और जिस तरह उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपोज किया जा रहा है, नहीं तो हमारे एक्सपोज वाला तो काम ही नहीं है, पूरा खत्म। तो ये आपके आरके फ्लिक्स में क्या उसी तरह के हैं या कुछ हटके आप करना? नहीं, सबसे हटके हमारा ग्लैमर तो है, लेकिन ये नहीं कि हम उसमें बोल्ड सीन दिखाएं या कुछ दिखाएं, उससे मैं अपनी लाइफ में कभी ऐसा नहीं किया, एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर रहा हूं और मैं अब करूंगा। किस तरह के कॉन्सेप्ट होंगे? लेकिन फैमिली एटमोसफेयर जिसमें एक सबक मिले कि लोग कुछ भी देखें तो उनको लगे कि ये हमारी कहानी है, वो हिसाब से। क्या नए कलाकारों को भी यहाँ मौका मिलेगा आपके? हम नए को भी ज़्यादा चांस देंगे, अब राजीव श्रेष्ठा जैसे तो डायरेक्टर रहेंगे वो तो नए नहीं हो सकते, लेकिन आर्टिस्ट नए जितने भी आएंगे हम उनको चांस देंगे।